नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा। आप देख रहे हैं रितम हिंदी। यूपी में 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर पहचान ना की जाए। सपा की ये मांग कहां तक जायज है? क्या सपा को सुरक्षा और फर्जी वोटिंग का खतरा नहीं है? या यूं कहें कि जिनका काम ही फर्जी वोटिंग कराना हो, उनके लिए तो ये मांग जायज है। अब आपको कुछ उदाहरण भी दे देते हैं ताकि पता चल सके कि आखिर क्यों बुर्का हटाकर महिलाओं के चेहरे की जांच की जाती है। पहला मामला 13 नवंबर 2024 का है, जहां अलवर के रामगढ़ उपचुनाव में एक महिला बुर्के में आई और फर्जी मतदान करने की कोशिश की। इसके बाद 23 मई 2024 को एक मामला सामने आता है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के जाले विधानसभा क्षेत्र से भी बुर्का कांड सामने आया, जहां बधोली के बूथ पर बुर्का पहनकर 3 महिला और 1 युवक फर्जी तरीके से मतदान करने पहुंचा था। बूथ पर मौजूद प्रोजाइडिंग ऑफिसर ने जांच के दौरान फर्जी मतदाता पाए जाने पर चारों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाले थाने पर हमला कर चारों आरोपियों को वहां से भगा दिया। ये केवल 2 ही मामले नहीं है, बल्कि 14 फरवरी 2022 को भी यूपी में हुए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग करते हुए बुर्का पहने हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद भी सपा बुर्के की वकालत कर रही है। यही कारण है कि विपक्ष बुर्का हटाकर पहचान की जांच नहीं करने को कह रहा है, और सपा कह रही है कि बुर्के को उठाकर जांच कराए जाने से महिलाएं डर जाती हैं, वे वोट डालने मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचती, जबकि ऐसा नहीं है। यूपी में साल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान 30-35% मुस्लिम महिलाओं ने वोट डाला था, तो इसमें डर कैसा? सपा की इस मांग से साफ है कि बुर्के में फर्जी वोटिंग भी हो सकती है। चुनाव एक गंभीर मामला है और ऐसी हल्की फुल्की मांगे केवल सार्वजनिक विश्वास को कम करने का काम करती है। अब समय आ गया है कि समाजवादी पार्टी इस तरह के पत्र लिखने से पहले सोच विचार करे, जो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर बनाते हैं। बुर्का मुस्लिम महिलाओं के लिए धार्मिक महत्व रखता है, जिसकी आड़ में कई ऐसे अपराध होते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए खतरा है, और इसमें भी सपा केवल अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बाकी रितम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।